इलीट फोर्स के अहलकारों की जहनी व जिस्मानी तरबियत आम पुलिस फोर्स से हटकर की जाती है। जवानों को जदीद सामान हर्ब के इस्तेमाल के साथ बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, मौसम की सख्ती और गैर मुतवक्के हालात से निपटने की तरबियत भी दी जाती है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नौशहरा में बेसिक इलीट कोर्स 14 और स्पेशल कॉम्बैट के तीसरे यूनिट की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा का कहना था कि केपी पुलिस फोर्स पेशावराना महारत के लिहाज से पूरे मुल्क में सबसे आगे है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फोर्स ने फराइज की अंजामदही के एतबार से पूरे मुल्क के अवाम के दिलों में अपने लिए एक मकाम पैदा कर लिया है इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह के मुताबिक मस्कूरा कोर्स में 437 जवानों को इलीट और स्पेशल कम्बैट यूनिट की 6 से 9 माह की तरबियत दी गई है। आईजी पुलिस का कहना था कि अब तरबियत का दायरा कार डीपीओ लेवल तक बढ़ा दिया गया है। एलीट ट्रेंड सिपाही और हेड कांस्टेबल के अलावा ऑपरेशनल कमांड कोर्सेज और टेक्टिकल कोर्सेज के जरिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हर थानेदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी और इवेंचुअली डीपीओ तमाम अफसरान 2 साल के अंदर अंदर टैक्टिक्स और ऑपरेशंस में ट्रेंड होंगे। तकरीब में मेहमान खसूसी को सलामी भी दी गई, जबकि तरबियत के दौरान नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले अहलकारों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन असद अली कमर के साथ इमरान बुखारी, दुनिया न्यूज़, नौशहरा।